राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार ने अपने एक बड़े फैसले के तहत मीसा बंदियों की पेंशन को पूरी तरह से रद्द कर दिया है। हमारे साथ है हरियल लाल पारिक जी, जो खुद भी आपातकाल के दौरान जेल गए हैं। सर, किस तरह से देखते हैं सरकार के इस फैसले को, वह भी उस वक्त जब मध्य प्रदेश भी बंद कर चुकी है, राजस्थान में अगला कोशिश ये हो गई। सन 1975 में उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने लोकतंत्र की हत्या करके इस देश में आपातकाल थोपा था, और उस आपातकाल के विरोध में राष्ट्रवादी संगठनों ने उस आपातकाल का विरोध करके और जेल भरो आंदोलन किया, सत्याग्रह किया, और सत्याग्रह के माध्यम से पूरे देश में हजारों कार्यकर्ता बंद रहे। मैं स्वयं भी उसके अंदर बंद रहा। कांग्रेस की सरकार बदलने के बाद में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह जी शेखावत, इन्होंने जब मुख्यमंत्री यहाँ पर भैरव सिंह जी शेखावत थे, उन्होंने उस समय इसकी शुरुआत की सम्मान निधि के रूप में, कि जो भी जेल में आपातकाल के दौरान गया था उनको एक सम्मान निधि के रूप में हम कुछ देंगे, ये प्रारंभ की गई। और अभी वर्तमान की सरकार ने बाकायदा इसका गजट नोटिफिकेशन विधानसभा में लिया, मंत्रियों ने इसको पारित किया और सेक्रेटरियट में इसके ऊपर मोहर लगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि तानाशाह रवैया अपना करके कांग्रेस सरकार जिस तरह से ये अत्याचार कर रही है, ये गलत है। आज देश की स्वतंत्रता में भी जो स्वतंत्रता सेनानी थे, कोई भी सरकार आए उनकी कोई पेंशन बंद नहीं होती है, उनको वो पूरी अपनी जो सम्मान है उनको मिलता है। तो हमारा वर्तमान सरकार को भी ये कहना है कि भाई जो एक सम्मान निधि जो वाक्य में ठीक की है और बिल्कुल इसकी पूरी जांच पड़ताल होकर जो शुरू की है उसको सरकार ने बंद किया, ये हम इसकी घोर निंदा करते हैं। लेकिन सर, अशोक गहलोत का ये कहना है कि जो आपातकाल के दौरान जेल में रहे थे वे तो स्वतंत्र सेनानी थे ही नहीं कभी। देखिए, अगर आपको पता हो 1975 में जो आपातकाल लगा था और उस समय की स्थिति आप देखते, कोई पूरी प्रेस पर बैन था, मीडिया सेंसर पूरे सेंसर होते थे, कोई अपनी बात को कह नहीं सकता था। 1947 के पूर्व ऐसा नहीं था, 1947 के पूर्व अंग्रेजों की सरकार हो चाहे मुसलमानों राज किया हो, वहाँ एक लोकतंत्र था और लोगों को बोलने का अधिकार था। लेकिन लोकतंत्र में कांग्रेस की सरकार ने और इंदिरा गांधी ने लोगों पर प्रतिबंध लगाया, ना किसी को बोलने का अधिकार था, ना सरकार के खिलाफ कुछ कहने का अधिकार नहीं था। तो मैं समझता हूँ कि 1975 का जो आपातकाल था वो तो गुलामी के भी काल से भी बुरा काल था, और उसके लिए आंदोलन किया, सत्याग्रह किया, वो एक बड़ी उपलब्धि थी। सर, जब राजस्थान में वसुंधरा राजे की सरकार थी, आप लोगों के लिए 4,000 रुपये एक्स्ट्रा बढ़ाए भी थे, चिकित्सा के लिए भी बहुत सारे नए प्रावधान भी किए थे, कितने मीसा बंदी को ये सम्मान निधि नहीं मिलेगा? सरकार के इस फैसले से कितना असर पड़ेगा, और क्या लगता है कि सरकार जिस खाली खजाने की बात कह रही है इससे खाली खजाना भर जाएगा उनका? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, क्या है कि सरकार के बहुत खर्चे होते रहते हैं, और राजस्थान में करीबन 5,000 कार्यकर्ता 1977 में जेलों में गए थे, लेकिन आज आप जानते हो आज 44 वर्ष इन बातों को हो गया, आज हमारी भी उम्र 65 साल से ऊपर हो गई, तो अधिकांश हमारे जो हमारे साथी थे वो आज सर्वास हो गया उनका। अभी मुश्किल से कोई 1200 या 1300 ऐसे लोकतंत्र सेनानी हैं जो कि पेंशन ले रहे हैं इस समय, तो कोई इस पर असर नहीं होगा राजस्थान सरकार पे, कोई इस पर कहीं का असर होगा? तो सरकार ने बंद क्यों किया, कोई कारण नजर आ रहा है? कारण नजर आ रहा है सीधा सीधा आपसी द्वेषता है, अपने कार्यकर्ताओं को खुश करने के लिए या वोटों की राजनीति करने के लिए, कि देखो भाई हमने आकर के जो भारतीय जनता पार्टी ने जो निर्णय लिया था उसको हमने पलट दिया। तो ये है हरियल लाल पारिक जी, जिन्होंने साफ तौर पर कर दिया कि राजनीति से प्रेरित मामला, और शायद इस उम्र में इन लोगों के जो सम्मान निधि दी जा रही थी उसके साथ इस तरह से राजनीति नहीं होनी चाहिए। कैमरामैन दिनेश कुमावत के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24।